Hello students, now we will do the next application of Gauss law, that is we have to find out the electric field intensity due to a thin infinite plane sheet of charge. हमारे पास क्या है, thin बहुत पतली सी, infinite बहुत मतलब कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, infinite plane sheet of charge. और इसकी वजह से हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग द गॉस लॉ. अब तक हम टू एप्लीकेशंस गॉस लॉ की कर चुके हैं. सेकेंड एप्लीकेशन जो हमने की थी फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको आप अच्छे से वीडियो देखकर समझ लेना. अब ये थर्ड एप्लीकेशन है. वैसे तो सारी ही एप्लीकेशंस इसकी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सेकंड वाली जो हमने की थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. अब इसे देखिए क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है. सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया. ये जो शीट है हमारी, इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा है. तो हमें कितने भी एरिया पे निकालना हो तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा उसमें. तो हमने क्या करना है, इस शीट की वजह से पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, इस शीट की वजह से पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. और उस P पॉइंट का इस शीट से जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है. P पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, P पॉइंट लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, इसके राइट साइड में भी हो सकता है. तो P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है. तो ऐसा इसे फाइंड आउट करने के लिए, इस शीट की वजह से P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे. और वो क्या होगा, हमारा एक सिलेंडर होगा जिसकी लेंथ क्या होगी, 2R, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो दोनों एंड्स पे जो हमें सर्कल दिखाई दे रहा है इसका एरिया कितना है, ए है. और ये भी जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है इसका एरिया क्या है, ए है. इसी तरह ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है वो क्या है हमारे पास, उसका एरिया क्या है, ए है. तो हमने क्या किया, इस पी पॉइंट पर इस शीट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी. तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इमेजिन किया कि कोई सिलेंडर जिसकी लेंथ 2R है वो इसके अंदर से पास हो रहा है, पायरेसिंग थ्रू दिस शीट. इस शीट के अंदर से क्या हो रहा है, घुस के दूसरी तरफ निकल रहा है. तो अब यहां पे फिगर में देखिए, आप जो है हम गॉस लॉ यूज करेंगे. तो गॉस लॉ में हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है. तो हमारे पास यहां पे तीन सर्फेसेज हैं, एक सर्फेस हम ये लेंगे S1, दूसरा सर्फेस हमारा ये है कर्व्ड सर्फेस ऑफ द सिलेंडर, एंड थर्ड सर्फेस हमारा ये है. दोनों एंड सर्कुलर है और ये वाला जो है, ये वाला जो सिलेंडर का जो एरिया है इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. इसको S2 माना, इसको S1 माना और इसको S3 माना. तो अब इस पूरे सिलेंडर से हमें टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, फाई ए इज इक्वल टू S1 सरफेस से फ्लक्स प्लस में S2 सरफेस से फ्लक्स प्लस में S3 सरफेस से फ्लक्स. लिखेंगे कैसे उसको, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds ओवर S1, इसी तरह से सेकेंड सरफेस पे और इसी तरह से थर्ड सरफेस पे. तो अब आप यहां देखेंगे ये जो शीट है इससे लेफ्ट साइड में फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी अवे फ्रॉम द शीट, इसी तरह राइट साइड में भी फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी अवे फ्रॉम द शीट. और यहां पर एरिया वेक्टर अगर आप लोगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहां लोगे एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन इधर होगी. लेकिन यहां पर अगर आप एरिया वेक्टर लेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी. तो आप देख सकते हैं S1 सरफेस पे E और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसी तरह S3 सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि उनके बीच 0 डिग्री एंगल है. लेकिन इस सरफेस के ऊपर जो S2 सरफेस है यहां पर फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री. तो अब लिखेंगे हम ई डॉट डी एस, यहां लिख देंगे फर्स्ट सरफेस पे EDS cos 0, सेकेंड सरफेस के लिए हो जाएगा EDS cos 90 डिग्री, एंड थर्ड पे हो जाएगा EDS cos 0. cos 0 इज 1, यहां पे भी cos 0 1, और यहां पे cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे ये टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. cos 0 1 हो गया, E कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, ये आगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ DS. ऐसे ही लास्ट वाले टर्म में हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ DS रह जाएगा. अब DS, S1 हमारा ये है, इसका छोटा सा पार्ट था DS
और उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा जो कि हमने क्या माना था, ए माना था, ए लिखा हुआ है हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसी तरह एस थ्री है, एस थ्री का ये छोटा सा पार्ट डीएस है, पूरे को इंटीग्रेट करोगे तो इसका ये पूरा एरिया आ जाएगा जो कि क्या है, ए है। तो ये आ गया हमारे पास सोल्व करने से, इसको इंटीग्रेट किया ए आ गया, इसको भी इंटीग्रेट किया ए आ गया, तो ये हो गया ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा टू ई ए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। गोजला से हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन मी एप्साइलिन नॉट, और चार्ज एनक्लोज इन द सिलेंडर कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि सिग्मा अभी हमने ऊपर लिया था, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई में एरिया, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा ए, इसे हम यहां रख देंगे, तो फाइ ए इज इक्वल टू आ गया सिग्मा ए अपॉन मी एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। फर्स्ट इक्वेशन भी हमें क्या दे रही थी, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सेकेंड इक्वेशन भी हमें फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ सिलेंडर दे रही है, तो दोनों के राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो टू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन मी एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये टू ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन मी एप्सिलॉन नॉट होगा, टू को इधर ले जाएंगे तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन मी टू एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि ई जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाउंड। ये तो था हमारे पास कि जब शीट जो है बहुत पतली सी हो, थिन शीट है हमारे पास, यदि इसी में हम केस ले लें कि शीट जो है उसकी कुछ थिकनेस है, इफ इनफाइनाइट प्लेन शीट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस, अगर उसकी कुछ थिकनेस है, तो थिकनेस है तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, दो सर्फेसेस ले लेंगे, एक सरफेस हमारा ये है और एक सरफेस हमारा ये है, टू सर्फेसेस होंगे। इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दोनों की क्या है, सेम है, दो सर्फेसेस हैं, पहले सरफेस की भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है एंड दूसरे की भी क्या है, सिग्मा है। तो दोनों मान लो पी पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक शीट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी शीट की कुछ थोड़ी बहुत थिकनेस है, कुछ मोटाई है, पहले तो थिन थी लेकिन अभी ये कुछ इसकी थिकनेस है, तो इस केस में दोनों सर्फेसेस की वजह से पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगी, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है, तो फर्स्ट सरफेस की वजह से ईवन इधर हुई और सेकंड सरफेस की वजह से भी इधर ही होगा। दूसरी तरफ लेते अगर पॉइंट इधर लेते तो डायरेक्शंस इस दोनों सरफेसेस की वजह से उधर होती, तो टोटल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा दोनों को ऐड करने से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इज ई इज इक्वल टू ईवन प्लस ई टू। एक सरफेस की वजह से, थिन शीट की वजह से आप फार्मूला अभी देख चुके हैं, सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट था, इसी तरह दूसरे सरफेस की वजह से कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करो, एक जैसी चीज है, दोनों को ऐड करो, टू सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। थिन शीट है तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होगा सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, और अगर शीट की कुछ थिकनेस है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।